ये चुनाव नहीं होता तो कोई नहीं आता यहाँ पे पूरे थाने में। चुनाव नहीं होता तो कोई नहीं आता यहाँ पे पूरे थाने में। सस्पेंड है अभी हमारे से कोई नहीं बात करेगा। क्या गाड़ी किया जाए लोगों को ऐसे तो जल्द पूरा जाए रो मत। बेटे को फोन किया, बेटा मजदूरी करता है, कुकस से आया और 5:30 बजे आकर के उसके बाद जो दो कॉन्स्टेबल्स हैं जिनका रवैया ठीक नहीं था, उन्होंने फैमिली मेंबरशिप गए और दर्ज करवाने कल 2:30 बजे थे। उस समय उनसे बात नहीं की, उनको भगा दिया। उन लोगों को वो सस्पेंड करेंगे, ये कमिश्नर ने मुझे और अक्यूजमेंट भी कड़ी कर दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो एस एच ओ है और उसके ऊपर के अधिकारी हैं उन्होंने उनके सामने आज रात को आई थी और कल रात को आई थी और आज सुबह उन्होंने भी कुछ कह दिया। उनमें इन्वेस्टिगेशन होगा, वो कह रहे हैं कि हम तो गश्त पर थे, हम लोग थे नहीं, ये है वो है, तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन होगी और उनमें भी अगर कुछ गड़बड़ हुआ या कुछ लगा कि ये मिली भगत है तो उनको उनको भी सस्पेंड। पीड़ित परिवार मैडम इसके परिवार के सामने बात हुई, पीड़ित परिवार भी नहीं थे, जो दो तीन लोग परिवार के हैं उनके सामने ये बात हुई है। अभी वो कह रहे हैं कि हम उनको 2-3 घंटे देते हैं, अगर 2-3 घंटे में जो वो कह रहे हैं वो नहीं होता उसके बाद फिर हम लोग जो भी मर्जी है ये होता। पीड़ित परिवार गरीब है, उसके लिए जो भी मुआवजा वगैरह नियमानुसार है वो भी हम करेंगे। आप बात करेंगे कलेक्टर से, वो बात अभी आई है बिल्कुल, उसके लिए भी हम पूरा, मैं तो पूरा करूंगी कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जब आप और किसी को मुआवजा दे सकते हैं, ये गरीब जो रोड एक्सीडेंट का विक्टिम था उसको इमीडिएटली 50 लाख और ये आज गैंग रेप की विक्टिम है उसको तो 1 करोड़ मिलना चाहिए। और कितने आरोपी को इस मामले में ये दो लोग वो इनको पूरे तो जाने एक गिरफ्तार हुआ है, कितने हैं वो बाकी और सब चीजें सामने आ बस में कितने लोग थे वो लोग चलो।